हाय फ्रेंड्स, मैं आरती वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई चीज़, समा के चावल से थाल डेकोरेशन। ये हम पूजा का थाल बनाएंगे और वो भी समा के चावल से। अब देखिए कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने समा के चावल ले लिया, हमें जितने भी कलर्स करने हैं, तीन कलर, मैं फोर कलर की बना रही हूँ, तो हमने फोर बाउलों में ये, अब देखिए रेसिपी, ये मैंने बना के रखी है इस तरीके से। ये मैंने ब्लू कलर का बनाया है उजाला से, ठीक है, जो कपड़ों पर लगाने वाला नील होता है उससे ब्लू कलर बनाया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये येलो, तो ये जो खाने वाले कलर अवेलेबल होते हैं हमारे घरों में वही ले लिया मैंने। ये तकरीबन इतना लेकर इस तरह से उसमें डाला और ये हाफ स्पून पानी डाल के इसको तो मिक्स कर दिया। ऐसे ये देखिए बन गए ये येलो। अब इसको न्यूज़पेपर में डाल देंगे पाँच मिनट के लिए। हम जो भी कलर हमें लगाना है वो हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये सारे कलर बना लिए हैं। ये ऑरेंज, येलो और ये थोड़ा सा ब्लू कलर में और ये हल्का सा रेड में है, ठीक है। अब हमने ये गणेश जी इस तरीके से हम एक प्रेस पेपर पे, बटर पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया तो प्लेट में आप छोटे बड़े कैसे भी, आप जरूरी नहीं है गणेश जी बनाओ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको पसंद आ रहा है। फिर इस तरीके से हमने एक प्लेट में बीचों बीच सेंटर में ये लगा लिया कार्बन पेपर, उसके ऊपर हमने ड्रेस पेपर को लगाकर हल्का सा टेप लगा लिया जिससे वो इधर उधर खिसकेगा। अब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे राइट हाथ से। पूरा ड्रॉ कर लेंगे हम इसको, हम इन टेप को ऐसे हटा लेंगे इस तरह से इसके। अब हम इसको कलर करना, इसका स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अभी जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ऐसे करके ब्लू फेविकोल से कर लेंगे। फेविकोल को हम प्रॉपर डेट में ही परत ही लगाएंगे जिससे कि वो आराम से चावल उसमें चिपक जाए। अब हम अंदर इसका येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन रखेंगे, तो अंदर हम रखेंगे येलो। आप इस तरीके से आप डालो उस पर, वहाँ से थोड़ा सा इसको दबा दो, ये जो एक्स्ट्रा चावल है उसको ऐसे डाल दो। फिर हमने जो पैन से ली, पैन से हम सबको ऑल ग्राइंड करेंगे। ये एक्स्ट्रा चावल जहाँ भी आ गया था ना उसको हटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पूरे गणेश जी को प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस खाली जगह पर हम इस तरीके से ऐसे रवि कॉल की ये लाइन कर लेंगे पूरी, जो तो बोल ये फेविकोल की लाइनिंग कर लेंगे इस तरीके से उसके खाली पोर्शन में। तो अब इसमें हम बेस के तौर पे ऑरेंज कलर लगा रहे हैं। थोड़ा सा हाथ से इसको ऐसे कर देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से इसको हम पूरे को कर लेंगे, इसके खाली बेस को पूरा भर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसके सारे खाली गैप को भर देंगे चावलों से। ये इस तरीके से हमने बना लिया है। अब ये जो थाली में ये गोल सर्कल में हम पूरा इसमें ब्लू कलर के चावलों से भी डिज़ाइन बनाएंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से तैयार हो गया है पूरा। अब इसमें हम इसको डेकोरेशन करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बनकर तैयार है इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसमें नीचे लेस लगाई है, कुछ स्टोन्स लगाए हैं, स्पार्कल्स लगाए हैं और इसमें थोड़ा सा शाइनिंग देने के लिए पर्ल कलर्स का यूज़ किया है। इस तरीके से ये डेकोरेशन होकर समा का चावल का थाल पूरा तैयार है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा बनाया हुआ ये थाल पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।